अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मनोज तिवारी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब में, जहां पर जल योगा कर रहे हैं मनोज तिवारी, यानी योगा ऑन वाटर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब की, जहां पर मनोज तिवारी एक संदेश देने की कोशिश पूरे विश्व को। और आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस, विशेष तौर पर 9वां योगा दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, और ये तस्वीरें आप इस वक्त आप प्रणाम की मुद्रा में मनोज तिवारी को देख रहे थे। और अलग अलग तरीके के योगासन का उन्होंने अभ्यास किया है कुछ देर पहले, जिसमें भुजंगासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे तमाम जो योगा के आसन हैं वो उन्होंने किया है। और ये आपको न सिर्फ मनोज तिवारी बल्कि आसपास में तमाम आपको छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे, जो अलग अलग बोट्स पर मौजूद हैं और योगाभ्यास करते हुए नज़र आ रहे हैं। मनोज तिवारी ने बीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि न सिर्फ तन बल्कि मन दोनों को स्वस्थ रखता है योगा। और दूसरी तरफ जहां अमेरिका में पीएम मोदी आज शाम संदेश देंगे योगा दिवस पर, तो यहां दिल्ली में, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, खास तौर पर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो योगाभ्यास कर रहे हैं। और उन्हीं उसी प्रक्रिया में आज मनोज तिवारी सोनिया विहार स्पोर्ट्स क्लब में योगाभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने सहयोगी रवीश पांडे के साथ निधिश्री एबीपी न्यूज़ दिल्ली।